मध्य प्रदेश के छतरपुर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने ससुराल वालों को लाखों का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। वही मामले को लेकर फरियादी पति ने न्याय की गुहार लगाई है। मामला छतरपुर के चंद्रपुरा गांव का है, जहां पत्नी अपने पति के साथ 4 महीने रहने के बाद लगभग 1.5 लाख का सोना, चांदी, मोबाइल व नगदी लेकर फरार हो गई। पुलिस महिला की तलाश कर मामले की जांच शुरू करती है। 1 लाख रुपए उनके बाप मताई ने दाए और फिर 50,000 दूसरे के लिए दिया हूँ, अभी 1.5 लाख का, और फिर हमने लिया था उसी को। कितने में ली थी? 1.5 लाख में दे दिया था उसे। हाँ, उसके बम मताई आए थे देने के लिए। ऊपर कब भग गई अबू? ये भग गई जहाँ 2-3 दिन पहले। कितने दिन रही तुम्हारे साथ? 4 महीना रही। क्या लगता है, क्या कह रही है अबू? वो कह रही हमको नहीं रहना है इस घर में। क्या कह रही? क्या कह रही? दूसरा कर लिया? हाँ, दूसरा कर लिया। सामान वामान भी ले गई और सामान बेजर में ये सब ले गई। एक मंगलसूत्र है, पाव भर की चूड़ी है और 11 गुड़िया है सोने के। तो एक मोबाइल लेके भागी। टोटल कितना पैसा तुम्हारा खर्च हो गया? टोटल हो गया 1 लाख रुपये। हाँ, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपये? 1.5 लाख। छतरपुर जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें पत्नी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उसमें जो पत्नी या फिर आपकी धर्मपत्नी होती है, उसके ऊपर कभी भी चोरी का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इसमें सामान्य तौर पर यदि दर्ज होगा तो गुमशुदगी दर्ज होगी, गुमशुदगी में दस्तियाबी दर्ज होगी। तो इसमें कुछ विधिक या लीगल समस्याएं हैं, उसके बाद ही इसमें जो सही कार्रवाई है वो हो सकती है।